हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश बिंद है और मैं देखिए दोस्तों आया हूँ। ये वारपीन है, देसी वारपीन है दोस्तों। ये धागा लपेटा जाता है और ये बीम जो बनता है ये फटका लाइन में जाता है, फटका मशीन में लगता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर रोलिंग हो रहा है और धागा लपेटा जाता है, उसके बाद बीम में रोलिंग होता है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मशीन चल रहा है और धागा जो गोला होता है वहाँ से लपेटता है और यहाँ पर रोलिंग होता है और देख सकते हैं बीम लगा हुआ है। ये बीम है, छोटा छोटा बीम रहता है और फटका में लगता है दोस्तों। और फटका में दो बीम लगता है, एक कलर वाला लगता है और एक, दोनों कलर ही रहता है, एक डिजाइन वाला कलर रहता है, एक सिंगल कलर रहता है दोस्तों। देख सकते हैं पूरा, ये देखिए इसमें लगा नहीं है, ये बीम बन चुका है और आपको दिखाते हैं गोला कैसे लगता है। देखिए कैसे धागा गया है, ये सब गोला लगा है, ये बटन है दोस्तों, देख सकते हैं सब नीचे भी लगा है, ऊपर भी लगा है और देख सकते हैं रीड से जाता है और इसमें लपेटा जाता है और यहाँ पर देखिए रीड है, इसको फन्नी बोलते हैं। और इसमें डाल के फिर यहाँ बहुत प्रोसेसर करना पड़ता है, उसके बाद फिर धागा लपेटा जाता है, मशीन से लपेटा जाता है धागा। देख सकते हैं यहाँ पर गोला चेंज कर रहे हैं, गोला ख़त्म हो गया है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पीला कलर का गोला और यहाँ पर देखिए लगा है और यहाँ पर मशीन चल रहा है। यहाँ आप देखिए यहाँ पर कारीगर हैं और यहाँ पर मशीन चलाते हैं, देख सकते हैं यहाँ कितना धागा गया है, कितना धागा लेके जाते हैं और मशीन में लपेटते हैं, तब जाके बीम तैयार होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो के एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते हैं दोस्तों मशीन है।